सीबीएसई स्कूलों की नॉर्थ जोन इंडोर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ हमीरपुर के टाउन हॉल परिसर में सांसद अनुराग ठाकुर ने किया। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को अनुशासन में रहकर खेलने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सुजानपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, प्रदेश सह प्रवक्ता नरेंद्र रात्रि, डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल पीसी वर्मा मौजूद रहे। प्रतियोगिता में लगभग 100 सीबीएसई स्कूलों के लगभग 800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर खेलों के लिए बढ़िया ढांचा प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूर्व में रही भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति कांग्रेस का उदासीन रवैया रहा है और इस मुद्दे पर ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। डीएवी संस्था ने एक बहुत बड़ा आयोजन इंटरजोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि मेरे गृह जिला हमीरपुर में सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने अपने स्कूल के लिए नाम कमाएंगे। निश्चित तौर पर जो खेलों के लिए आधारभूत ढांचा पूरी देश में होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हमीरपुर में हमने 6 करोड़ रुपये की लागत से एथलेटिक ट्रैक बनाकर दिया। 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया था इंडोर स्टेडियम का, जो 5 वर्षों में कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। ये अपने आप में दिखाता है कि खेलों के प्रति उदासीन रवैया कांग्रेस का रहा, लेकिन इसको राजनीति ना करते हुए मैं इतना ही कहूँगा और ज़्यादा आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है। जहाँ तक आपने टाउन हॉल की बात की, मैं निश्चित तौर पर इसके रखरखाव को और बेहतर करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ और माननीय डीसी महोदय से इसकी बात भी उठाएंगे ताकि ईओ को कहकर यहाँ पर रखरखाव को और बेहतर किया जा सके।